पर्वतों को चीरकर खुद का रास्ता बना, जीत हार से परे जिंदगी के गीत का, अपने में कमाल रख, जज्बों में उबाल रख, जिंदगी के समर में हौसलों की ढाल रख, तुझसे ही जहान है, तू जीत का विधान है, जो बदल दे वक्त को तू वो योद्धा महान है, सब दिक्कतों को फाक जा, तू है सृजन का देवता, जीवन की झंझावतों को, वक्त के काले अध्याय को, सेब शॉप के जिस युवा जज्बे ने उन्नति के उजास रंगों से रंगा है, वही शख्सियत है डायमंड लीडर मिस्टर जुगल किशोर ओझा। जिनके किरदार से, जिनकी शख्सियत से उस स्थान की सलोनी खुशबू आती है जिसे राजस्थान कहते हैं। इसी धरा की आभा है एक सीधा, सहज, शांत सा गांव रियान बड़ी। इसी गांव से श्री घनश्याम ओझा जी का रिश्ता जुड़ता है, जो कभी किराना दुकान चलाया करते थे। बाद में दुकान को बढ़ाकर मिठाई की दुकान में तब्दील कर लिया था और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शारदा देवी ओझा का भी, जिन्होंने गृह लक्ष्मी होने के कर्म को धर्म की भांति निभाया है। इन दोनों के हर्षित उपवन में 15 जून 1979 को तीसरे पुष्प के रूप में जो खुशबू खिली, उन्हें आज का वक्त अदब के साथ जुगल किशोर ओझा के नाम से पुकारता है। तीन भाइयों में सबसे छोटे जुगल किशोर का बचपन दूसरे बच्चों की ही तरह गुजरा। वही बचपन का मोहल्ला, वही गलियां शरारत की, वही नादानियों के धागों में लिपटी मासूम शैतानियां। इसी मासूमियत के दौर में किताबों से रिश्ता जुड़ा। स्कूल था गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रियान बड़ी। पहली से पांचवी कक्षा तक यहीं से अक्षर धूप में नहाया। बाद उसके छठवीं से दसवीं तक की अक्षर धूप गवर्नमेंट सीनियर स्कूल से बटोरी, मगर दसवीं कक्षा में बटोरी धूप पर बदली छा गई। मतलब आप दसवीं में फेल हो गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि आपको हॉस्टल में भर्ती करवा दिया गया। यहीं रहकर आपने दसवीं से ग्यारहवीं क्लास में छलांग लगाई और 12वीं तक रियान बड़ी के गवर्नमेंट सीनियर स्कूल में शिक्षा अर्जन किया और 12वीं के बाद स्कूली पढ़ाई को विदा कह दिया। तब जुगल किशोर ये नहीं जानते थे कि अब उन्हें जिंदगी की असल किताब को पढ़ना है और इसकी शुरुआत हुई सन 1999 में, जब आपने स्टेशनरी की एक छोटी सी दुकान खोली। लेकिन सन 2004 को इस दुकान को बंद करना पड़ा। वजह साफ थी, मेहनत के बावजूद उतना पैसा नहीं आ रहा था जिसकी जरूरत थी। इस घटना के पहले ही सन 2003 में आप सौभाग्यकांक्षी प्रतिमा जी के साथ आत्मिक परिणय सूत्र में आबद्ध हो गए। ये एक विशिष्ट जिम्मेदारी थी जिसे निभाना अब आपके फर्जों में शामिल था। वक्त गुजरता रहा। 7 सितंबर 2004 को आपके घर में खुशियों की श्रुति के रूप में पहली बेटी अंजलि का अवतरण हुआ। इसी वर्ष स्टेशनरी की दुकान बंद करके आपने मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया, साथ ही पिता के साथ
मिठाई की दुकान का संचालन भी किया। मिठाई की दुकान 5 मंजिला थी। बाद के दिनों में आपने वही मोबाइल रिपेयरिंग, फोटो स्टेट और ई मित्र का काम शुरू कर दिया, जिसे आपने वर्ष 2012 तक पूरी तन्मयता से चलाया। इसी वर्ष आपकी मुलाकात मिस्टर महेश वर्मा से हुई, जो अब डायमंड है। आपके मार्फत ही आपने सेफ शॉप का प्लान देखा, एक ऐसा प्लान जिस पर यकीन कर आज लाखों जिंदगियां ऐसी आलीशान जिंदगी जी रही हैं, जिसकी कल्पना करना भी कल्पनाओं से परे है। सेफ शॉप आज के डिजिटल भारत की वो ऊर्जावान कंपनी है, जिसने देश के हर वर्ग के हर आदमी को तरक्की की महायात्रा कराई है। आप भी सेफ शॉप के इस सेफ प्लान से जुड़ गए, इस उम्मीद के साथ कि यहां से ही आएगा बदलाव। लेकिन धरातलीय यथार्थ ये भी है कि तरक्की के शिखर तक पहुंचने के लिए, औरों से अलग अपना मकाम बनाने के लिए उपहासों की धूप में भी सुलगना पड़ता है, तो रिजेक्शन के बीहड़ से भी गुजरना पड़ता है। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारिया। वो जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारिया। इन्हीं तमन्नाओं से जुगल किशोर भी गुजरे और बढ़ते हुए सिल्वर और गोल्ड हुए। गोल्ड लेवल पर ही आपने 4.5 लाख रुपए की शेवरोले स्पार्क कार खरीदी। उसके बाद भी आपका संघर्ष बनवास खत्म नहीं हुआ, यहां तक कि आपका बना बनाया नेटवर्क तिनकों की तरह बिखरता रहा, लेकिन आपने कोशिशें नहीं छोड़ी। और वैसे भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उसी का नतीजा था कि आप पर्ल और टोपाज बने। साथ ही 10 जुलाई 2011 को दूसरी बार पुत्री रत्न पाकर गौरवान्वित भी हुए, जिस नन्ही सी उम्मीद का नाम आपने राधिका ओझा रखा। लेकिन व्यावसायिक स्थिति अभी भी अस्थिरता के भंवर में फंसी हुई थी, जिसकी बुनियादी वजह थी बिजनेस के नॉलेज की और ट्रेनिंग की कमी, जो लाजमी टूल्स हैं 100% कामयाबी के लिए। तब महेश वर्मा जी के जरिए आपकी मुलाकात वर्तमान ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर रामचंद्र और डबल डायमंड लीडर मिस्टर ताराचंद्र वर्मा से हुई, जिनसे आपने बिजनेस की बारीक से बारीक जानकारियों को हासिल किया, उसे अप्लाई किया और अदम्य इच्छा शक्ति के साथ तरक्की की रोशन दास्तान लिखते रहे। लोग साथ आते गए और नेटवर्क बढ़ता गया। इस सफर में एमरल्ड और रूबी बनकर अपने साहस का परिचय दिया। इसी लेवल में रहते हुए आपने 2 बार एप्पल 7 प्लस मोबाइल लिया, साथ ही एप्पल का ही मैकबुक एयर लैपटॉप भी खरीदा। रूबी लेबल पर रहते हुए आपने कंपनी के हर अचीवमेंट टारगेट के पिछले रिकॉर्ड को तो तोड़ कर दिखाया। आपने रूबी लेबल पर रहते हुए ऑडी A3 लग्जरी कार खरीद कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। गांव में अपने अपनों के लिए 2 मंजिला आलीशान आशियाना बनाया।
100 से ज्यादा बार हवाई यात्रा कर आसमान की ऑटोग्राफ बुक में अपने रोशन ऑटोग्राफ दिए। टारगेट फ्लाइट कर 29 अप्रैल 2016 को मलेशिया और 15 जुलाई 2018 को यूरोप, स्विट्जरलैंड और पेरिस की यादगार यात्राएं की। परिवार के हर एक सदस्य के साथ भी बाज मर्तबा आपने हवाई यात्राएं की। आज आपके परिवार में खुशियों और उल्लास की आभा बरसती है। आपके बच्चे नामवर स्कूलों में अक्षरों की पतंगे उड़ाते हैं। दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, राजस्थान और गुजरात में आपका नेटवर्क दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। हजारों उम्मीदें आपसे जुड़कर सेफ शॉप की विजय पताका शहर दर शहर फहरा रही हैं। इस अप्रतिम विलक्षण कामयाबी का श्रेय आप देते हैं अपने माता पिता को, जिनके अंत से उपजे हैं आप। श्रेय देते हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को, जिससे आप जीत का मूल और ढूंढ रहस्य समझे हैं। आप श्रेय देते हैं सेफ शॉप के आकाश के ध्रुव तारे क्राउन लीडर मिस्टर देवेंद्र शर्मा को, मर्क्यूरी लीडर मिस्टर हरिशंकर को और मर्क्यूरी लीडर मिस्टर टिकेंद्र सिंह को, और साथ ही अपनी कर्मठ और उत्साही टीम को। डायमंड लीडर मिस्टर जुगलकिशोर ओझा की तरक्की की ये दास्तान बताती है कि छुआ जा सकता है सपनों का आसमान, जिंदगी में पाई जा सकती है हर खुशी, जी जा सकती है एक रॉयल जिंदगी, पहने जा सकते हैं जज्बों के लिबास, बनाया जा सकता है औरों से खास मुकाम, पैदल चलने वाले उड़ भी सकते हैं, हजारों ख्वाब आपस में जुड़ भी सकते हैं। डायमंड लीडर मिस्टर जुगलकिशोर ओझा की कामयाबी को सामने रखकर कहा जा सकता है कि ओनली सेफ शॉप कैन डू दिस मिरेकल। सैल्यूट सेफ शॉप, सलाम डायमंड लीडर मिस्टर जुगलकिशोर ओझा। बनाते हैं तूफानों से लड़ते हैं साहस पहने चल।